एपीटीवी भारत आवाज देश की। राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के बैनर तले जिले के कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के बाहर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य अधीक्षण अभियंता के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए ये भी बताया कि अगर उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो 6 सितंबर को कर्मचारी जिला मुख्यालय के डिस्कॉम कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। फिर भी अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 17 सितंबर को पूरे प्रदेश के कर्मचारी जयपुर के विद्युत भवन पर अनिश्चितकालीन का महापड़ाव डाल देंगे। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में ग्रेड पे 2400, कनिष्ठ अभियंता को रोडवेज विभाग माइंस विभाग के समान वेतन श्रृंखला और ग्रेड पे 4800 दिया जाए। अधिमानता के आधार पर हाई सेकेंडरी पास तकनीकी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाए। इसी तरह की विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने ज्ञापन के साथ साथ चेतावनी भी दी है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की मांग है प्रमुख 2400 ग्रेड पे। हमने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है जिसके बैनर तले सारे विद्युत संगठन इकट्ठे हुए हैं और हमारा जो प्रोग्राम है वो जिला मुख्यालय पर 20 अगस्त को है और 6 सितम्बर को हमारा रहेगा निगम मुख्यालय पे और 17 सितंबर को हमारा रहेगा विद्युत भवन में महापड़ाव रहेगा अनिश्चितकालीन। जब तक सरकार मांगे हमारी पूरी नहीं करती तब तक हम अनिश्चितकाल महापड़ाव जारी रखेंगे। 2400 ग्रेड मुख्य मांग है, उसके बाद में 3 नंबर स्केल मिलनी चाहिए हमें। सीएंस की भी हमारी मांग है कि उसको 4800 ग्रेड पे दिया जाए और अन्य जो ठेका प्रथा है वो बंद की जाए, कर्मचारियों का शोषण जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। एबीटीवी भारत के लिए झुंझुनू से नीरज सैनी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।